प्रयागराज जनपद में गुरुवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पूरे प्रयागराज शहर में मंदिरों को सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को नए वस्त्र पहनाए गए हैं। जन्माष्टमी को लेकर बच्चों में गजब का उत्साह है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गुरुवार को प्रयागराज में बड़े बड़े मंदिरों को सजाया गया है। मंदिर को भव्य रूप में सजाया गया है। यहाँ स्थित राधा कृष्ण मंदिर में मूर्तियों को नए वस्त्र पहनाए गए हैं। रंग बिरंगी रोशनी से मंदिर जगमगाया हुआ है। मंदिर को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मंदिरों में भगवान नंद गोपाल के पालने लगाए गए हैं। लोगों ने अपने घरों में लड्डू गोपाल का भी अप्रतिम श्रृंगार किया है और उन्हें नए वस्त्र पहनाए हैं, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। बुजुर्ग, महिला, युवा और बच्चों ने भी जन्माष्टमी का व्रत रखा है। स्कूल कॉलेजों में जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्यापारी को भी पंख लगे। बाजार में कान्हा की पोशाक, बांसुरी, पालने, रंग बिरंगी लाइटें आदि खूब बिकी। खूबसूरती से सजाया गया है। सारे भक्त हरे कृष्णा हरे राधे का जाप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं और भगवान के जन्मोत्सव के लिए बिल्कुल तैयार हैं और भगवान की मनमोहक छवि देखने के लिए सब यहाँ आतुर हैं। बिल्कुल सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। बहुत सब हर्षोल्लास से भक्त लोग लगे हुए हैं और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका नाम? माधुरी। काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं। जो हम इस जन्माष्टमी के लिए साल भर से हम लोग तैयारी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में शांति बनी रहे और हमारे देश में सभी श्रद्धालुओं को हम जन्माष्टमी की बधाई के साथ साथ ये कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति जन्माष्टमी मनाए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं वैभव संपदा के मालिक हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव भी इनके दर्शन के लिए स्वयं वृंदावन गए थे, तो जो जिनकी सेवा में स्वयं कैलाश पति रहते हैं उनकी सेवा में भगवान श्री कृष्ण का हर व्यक्ति जन्म मनाए, क्योंकि भगवान की एक ब्रज की एक कहावत है कि यहाँ मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में है उतनी छवि रास कहीं भी नहीं जितनी छवि सुंदर श्याम में है। तो पूरे दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के फॉलोअर हैं, तो आप सब लोग जन्माष्टमी मनाइए अपने घरों में, इनका व्रत रहिए, सेलिब्रेट करिए काफ़ी धूमधाम से। ये पर्व जीवन में कभी दोबारा मिले ना मिले, 30 साल की एकादशी का फल एक जन्माष्टमी के व्रत में ही पूरा मिल जाता है। तो हर व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत मनावे, अपने घर में सभी को प्रसाद बांटे। बहुत बहुत बधाई हो। गौरव Yeah.